16 दिसंबर 2009 के दिन नासा के साइंटिस्ट उस समय हैरान हो गए जब उन्होंने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ग्लिस 1214b नाम का एक ऐसा प्लैनेट खोज निकाला जिस पर हर तरफ पानी ही पानी था। वैसे तो ओशन प्लैनेट्स लंबे समय से ही साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच काफी चर्चा का विषय रहा है, पर ग्लिस 1214b ने साइंटिस्ट को एक अलग ही दुनिया से रूबरू करवाया है। दोस्तों, स्पेस में ओशन से कवर्ड प्लैनेट्स के होने की सबसे पहली जानकारी 1970s के दशक में हुई थी, वो भी तब जब साइंटिस्ट को इस बात के एविडेंस मिले थे कि किसी भी प्लैनेट के अंदर मौजूद रेडियोएक्टिव डिके और उसकी टाइडल फोर्सेस प्लैनेट्स पर मौजूद वाटर आइस को न सिर्फ मेल्ट कर देती है बल्कि इनकी वजह से वाटर आइस बड़े बड़े ओशन में तब्दील हो जाती है। अगर हमारे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो इस तरह की प्रोसेस हमें जुपिटर और सैटर्न के मून्स पर देखने को मिलती है, पर क्योंकि ये सेलेस्टियल बॉडी सूरज से बहुत ही ज्यादा दूर है इसीलिए इन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। हालांकि जब हम पूरी तरह से ओशन से ढके प्लैनेट्स की बात करते हैं तब हमारा मतलब एक ऐसे प्लैनेट से होता है जिस पर समुद्र बर्फ की लेयर के नीचे ना हो बल्कि उस प्लैनेट की सरफेस पूरी तरह से थिक वाटर लेयर से ढकी हो जिसकी डेप्थ कम से कम 100 किलोमीटर होना चाहिए। 2004 में जब फ्रेंच एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्रिस्टोफर सैटर्न और उनकी टीम द्वारा इस तरह के प्लैनेट्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की थियोरेटिकल कैलकुलेशंस की गई तब उसका ये नतीजा निकला कि अगर किसी फॉर्मिंग प्लैनेट का मास धरती से 10 गुना ज्यादा है तब वो प्लैनेट अपने आसपास मौजूद डस्ट क्लाउड से खुद ब खुद हाइड्रोजन और हीलियम को अट्रैक्ट करके गुजरते वक्त के साथ एक गैस जायंट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर इस फॉर्मिंग प्लैनेट का मास धरती के मुकाबले केवल 6 से 8 गुना ज्यादा हुआ तब इस कंडीशन में इसकी सरफेस आधा बर्फ और आधे पत्थर की बन जाएगी। हालांकि किसी फॉर्मिंग प्लैनेट की सरफेस कैसी होगी ये सिर्फ इसके मास पर ही डिपेंड नहीं करता क्योंकि प्लैनेट की ऑर्बिट भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, अगर कोई प्लैनेट अपने होस्ट सितारे से बहुत ही ज्यादा दूर हो तब वो या तो आइस जायंट होगा या फिर कोल्ड सुपर अर्थ जिनके कोर के अंदर रेडियोएक्टिव डिके होने की वजह से इनके बर्फ का कुछ पोर्शन पिघल गया हो जो इसकी सब सरफेस को भले ही ओशन में कन्वर्ट कर दे पर इसका अपर सरफेस हमेशा आइसी रहेगी। खैर, इसके ऑपोजिट अगर कोई प्लैनेट अपने होस्ट सितारे के हैबिटेबल जोन में है तब उसकी आउटर लेयर न सिर्फ मेल्ट होगी बल्कि पूरे प्लैनेट पर एक बाउंडलेस ओशन के फॉर्म में स्प्लिट कर जाएगी। अगर थियोरेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर देखे तो जिस प्लैनेट का मास धरती के मुकाबले 6 से 8 गुना ज्यादा होता है तब उस पर पानी की 100 किलोमीटर मोटी लेयर हो सकती है और इस लेयर से एक्सर्ट होने वाली प्रेशर 20,000 एटमॉस्फेयर तक पहुंच सकता है जिस वजह से हमें उस प्लैनेट पर बर्फ के कुछ वैरायटीज देखने को मिल सकती है जिनमें हाई टेम्परेचर में भी सॉलिड रहने वाले बर्फ शामिल है। वैसे तो यह सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में बस एक थियोरेटिकल अजम्पशन थी, पर जब एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस में करीब 42 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक छोटा डिम स्टार दिखाई दिया तब उन्होंने अपने आप इन अजम्पशंस को प्रूफ करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इस डिम स्टार का नाम क्लिस 1214 था जिसका ना सिर्फ डायमीटर हमारे सूरज से करीब 5 गुना कम था बल्कि इसका मास भी सूरज के मास का केवल 15.7% था। अगर इसकी ब्राइटनेस को देखा जाए तो ये हमारे सूरज से 300 गुना कम ब्राइट था। साथ ही इसका टेम्परेचर भी 2700 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि सितारे में ऐसा कुछ भी खास नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारे यूनिवर्स में बाकी दूसरे रेड ड्वार्फ स्टार्स होते हैं। लेकिन 2009 में एस्ट्रोनॉमर्स उस समय एक्साइटेड हो गए जब इसी रेड ड्वार्फ स्टार के सोलर सिस्टम में ग्लिस 1214b नाम का एक ऐसा प्लैनेट दिखाई दिया जिसका ना सिर्फ डायमीटर धरती से 2.5 गुना ज्यादा था बल्कि ये एक्सोप्लैनेट धरती से 6.5 गुना ज्यादा भारी था। सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर देखे तो इस एक्सोप्लैनेट पर फ्री फॉल एक्सीलरेशन धरती के एक्सीलरेशन का 91% है और इसकी डेंसिटी भी लगभग 1870 किलो पर क्यूबिक मीटर है। इन सभी स्मॉल वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर इस प्लैनेट को जज किया जाए तब ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि एक्सोप्लैनेट मेटल और रॉक से तो नहीं बन सकता, पर इसकी औसतन घनत्व से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी पर 75 भाग पानी है। अब अगर इस एक्सोप्लैनेट को इसके होस्ट सितारे से दूरी की बात करें तो ये अपने होस्ट सितारे से सिर्फ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और शायद यही वजह है कि हमारे सूरज से लगभग 300 गुना डिमार स्टार पाने के बावजूद भी ग्लिस 1214b का क्लाइमेट बहुत ही गर्म है, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के वीनस के जैसा। एक तरफ जहाँ इसका सरफेस टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है तो वही दूसरी तरफ का सरफेस डार्कर होने की कंडीशन में इसका टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद जब कुछ साल पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैलकुलेशन की मदद से इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की स्टडी की गई तब इसका जो रिजल्ट निकला उसको जानकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए थे क्योंकि अगर ये प्लैनेट सच में एक ओशन प्लैनेट है तब इसका एटमॉस्फेयर कुछ गैसेस के साथ वाटर वेपर
का बना होता, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में ना तो हाइड्रोजन के सबूत थे और ना ही इसमें हीलियम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया के कोई सबूत दिखाई दे रहे थे, जिस कारण ऐसा माना जाता है कि शायद इस प्लेनेट की डेंस एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर इसके एक्चुअल कंटेंट को पूरी तरह से ढक रही है। खैर, सबके बावजूद भी साइंटिस्ट के माने तो ग्लीस 1214b के सरफेस की कंडीशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सट्रीम बॉयलर के अंदर होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि इसके लोअर स्ट्रेटा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 15 गुना ज्यादा है, जिस वजह से इसका ओशन और एटमॉस्फेयर दोनों ही थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, जिनके बीच की बॉर्डर ब्लर्ड है। अब इस बात में कोई शक नहीं कि इस प्लेनेट की ओशन सरफेस के ऊपर वाटर वेपर की डेंसिटी इसके कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग वाटर के बराबर ही है, जिस वजह से अगर हम इसके ओशन के लोअर स्ट्रेटा में देखेंगे तब हमें वहाँ भी प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, और वो भी तब तक जब तक हम 100 किलोमीटर ओशन डेप्थ में नहीं पहुंच जाते। वेल, इतनी गहराई में एक प्रेशर वैल्यू के साथ समुद्र का पानी अपनी लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता, जिस वजह से समुद्र का बॉटम बहुत ही घने और हेवी बर्फ का बन जाएगा, जिसकी थिकनेस कम से कम 5000 किलोमीटर होगी, जिससे ये साबित होता है कि इस प्लेनेट का सबसे ज्यादा पानी इसी जगह यानी कि आइसमेट क्रायोस्फीयर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसी क्रायोस्फीयर के नीचे इस प्लेनेट का कोर है जो कि रॉक्स और मेटल का बना है। दोस्तों, ओशन प्लेनेट के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या ऐसे प्लेनेट्स पर समुद्र के अंदर लाइफ इवॉल्व कर सकती है, वेल, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ऐसे प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज बेहद कम है, क्योंकि एक तो इन प्लेनेट्स का टेम्परेचर हाई होता है और दूसरा इनके ओशंस में माइक्रो एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जो कि किसी भी लिविंग क्रिएचर के लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये सुनकर आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ऐसे एक नहीं बल्कि करोड़ों प्लेनेट्स हैं, जिस वजह से इस बात के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि शायद इनमें से किसी पर लाइफ भी किसी न किसी फॉर्म में पनप रहा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दूसरे प्लेनेट्स पर हम भविष्य में एलियंस की खोज कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।